अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज मैं लाइफ के उस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। वो है टेंशन, और वो है चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और आजकल के माशरे के अंदर आपने वाकयात ऐसे देखे होंगे, अभी जिस तरह आपने देखा है कि जी वो कोई सेलिब्रिटी हैं, उसने जो है सुसाइड किया है, ठीक है। तो हम बतौर इंसानियत हम सब बहुत ज़्यादा जो है हैरान हुए हैं, परेशान हुए हैं, और दुख का इजहार भी सब लोगों ने किया है कि यार हम इस चीज़ पे हैरान है कि यार आज हर इंसान जो है वो रोज़ी रोटी और जो है चीज़ों के लिए परेशान है, जब सब चीज़ें हमारे पास हैं तो फिर भी हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो उसकी क्या वजह है? तो व्यूअर्स, उसकी यही वजह है कि हमें ज़िंदगी का मकसद नहीं पता, हमें ज़िंदगी की वैल्यू का नहीं पता, हमें जो है ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ज़िंदगी असल में है क्या, और ज़िंदगी हम जो ये गुजार रहे हैं ये असल में किस चीज़ के लिए गुजार रहे हैं, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। इन चीज़ों का हमें कोई जो है अभी हमें रियलाइजेशन ही नहीं है, अगर है तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था कि देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और वो इतनी प्यारी हदीस है कि अगर हम लोग उस पर अमल कर लें तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर भी हम फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज़ बाकी रहे कि हम फिर भी परेशान हों। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 5 इनामात देते हैं। कितने वक्त की नमाज़? सिर्फ 5 वक्त की नमाज़। और 5 वक्त की नमाज़ में कितना टाइम लगता है? अगर हम अपने 24 घंटे को निकालें तो हमारे 24 घंटे में से 5 वक्त का जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा बनता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 5 वक्त की नमाज़ जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी प्यारी खुशखबरी दे रहे हैं कि जिसमें हमारे लिए दुनिया की भी कामयाबी है, आफ़ियत है, आसानी है, और आखिरत की हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है उसमें भी हमारे लिए बहुत आसानी है और हमारे लिए कामयाबी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 5 इनाम देते हैं। जो सबसे पहला इनाम है वो हमारी दुनिया की सारी टेंशनों का हल है, तो वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। दूसरा इनाम क्या है कि अल्लाह ताला उसको जो है ऐसे जब वो अल्लाह ताला के पास जाता है तो अल्लाह ताला उसको अज़ाब नहीं देते, यानी जब वो इंसान कब्र के अंदर जाता है तो अल्लाह ताला उसको कब्र का अज़ाब नहीं देते, अल्लाह ताला उसके कब्र के अज़ाब को ख़त्म कर देते हैं और अल्लाह ताला उसके कब्र को जन्नत का बाग बना देते हैं। सिर्फ 5 वक्त की 1.5 घंटे की जो हमारी इबादत है उसके ऊपर अल्लाह ताला इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं। और दूसरा इनाम क्या है कि अल्लाह ताला जो है क़्यामत के दिन उसका नामा आमाल जिसके लिए हम सब फ़िक्रमंद होंगे अल्लाह ताला उसके दाएँ हाथ में देंगे। और चौथा इनाम क्या है कि अल्लाह ताला पुल सरात पे से बग़ैर किसी मुशक्क़त के, किसी परेशानी के, जब लोग जो है इतने परेशान होंगे और कहते हैं कि जो शख्स जिसका ईमान ख़राब होगा, जिसने जो है ईमान के मुताबिक अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी, वो शख्स जो है नीचे गिर जाएगा, तो अल्लाह ताला उस शख्स को जो अल्लाह ताला की बात को मान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करके 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको आफ़ियत के साथ उस पर से गुजार देंगे। और कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है उसको हंसी खुशी जो है बिल्कुल हंसी खुशी के साथ अल्लाह ताला उसको बग़ैर किसी परेशानी के हंसी खुशी जो है अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। और ये 4 इनाम हैं इतने बड़े बड़े जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा, हम इस दुनिया के अंदर आए हैं हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारी आखिरत कैसी होगी। तो अल्लाह ताला हमें आखिरत के लिए इतने अच्छे अच्छे तोहफे दे रहे हैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने पे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफहूम है जो पहला इनाम है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रिस्क की बरकत अल्लाह ताला दे देते हैं। और उलमा इकराम फरमाते हैं कि रिस्क की बरकत से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आपकी खाना पीना ये रिस्क नहीं है, बल्कि रिस्क हर वो चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, चाहे उसमें गाड़ी है, चाहे एक अच्छा घर है, और जो है अच्छे कपड़े, ये सारी हमारी रिस्क के अंदर आती हैं। तो अल्लाह ताला इसके अंदर भी बेहद बरकत अता फरमाते हैं। तो व्यूअर्स, इतने खूबसूरत इनाम हमें मिल रहे हैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज़। तो मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि यार आप ये ना सोचें कि जी नमाज़ जो है ना आपने बड़ी खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे तभी आप नमाज़ शुरू करेंगे। नहीं,
भाई आप ये सोचें कि शैतान को आपने अपने नफ्स को ये कहना है कि भाई मैं तो जो है ना बस वक्त गुजारने के लिए नमाज़ पढ़ूँ। आप जब ऐसे नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके अंदर एक अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और जो है ईमान की जो है लज्जत आपको महसूस होगी, नूर महसूस होगा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर अच्छाई लेकर आएंगे। इसकी मिसाल इसी तरह जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है जब वो स्कूल स्टार्ट करता है तो शुरू में उसको लिखना नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसको छोड़ते नहीं हैं कि भाई ठीक है अब इसको लिखना नहीं आता तो अब ये पढ़ नहीं सकेगा, बल्कि हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं किब डब यार लगे रहो। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। तो इसी तरह जब हम शुरू शुरू में हमें नमाज़ नहीं पढ़नी आएगी, बड़ी गलतियाँ भी होंगी, हमारा दिल भी नहीं उसके अंदर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपने इससे जो है डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि आपने क्या करना है लगे रहना है। इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, आपकी हर चीज़ जो है ठीक होने लग जाएगी और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमा देंगे। फिर आपको इतना मज़ा आएगा और आपको ख़ुद फील होगा कि नमाज़ के ज़रिए से अल्लाह ताला आपको कितनी आसानियाँ देंगे, आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो व्यूज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको मैसेज दिया है इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे और दूसरों को भी इसके साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ व्यूअर्स मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप कमेंट्स के अंदर मुझे अपना लाजमी वैल्यूएबल फीडबैक दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।